नमस्ते दोस्तों मैं आदित्य सिंह सो so, जो फर्स्ट चैप्टर था हमारा का Science, का साइंस कॉमर्स एंड आर्ट्स उसको हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लिया छह लेक्चर्स लगे उस चैप्टर को कंप्लीट करने में बहुत ही सा सा थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर था बट स्टिल वी इट वेरी नाइसली एंड अब टर्न है नेक्स्ट चैप्टर की सेकेंड चैप्टर की जो की है इंट्रोडक्शन टू डी अब आप सब सोचो मैम ये डीबीएमएस एक्चुअली है क्या डी इज नथिंग एस इज मैनेजमेंट सिस्टम अब आप सभी को पता है कि हम अगर किसी भी चीज को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसका हम एक डेटाबेस बना रहे हैं जैसे कि आप कॉलेज स्कूल्स में जा रहे हो कॉलेजेस में जा रहे हो ऑफ कोर्स तो आप सभी का एक डेटाबेस है किस नाम से होगा आप लोग का डेटाबेस कि भाई इलेवेंथ में हमारे इतने इतने बच्चे हैं इतने इतने रिकॉर्ड्स हैं एंड ये डेटाबेस है अब ये एक कॉलेज के लिए तो ठीक है लेकिन हमारे पास एक ही कॉलेज नहीं है अगर हम सिर्फ एक मुंबई यूनिवर्सिटी को कंसिडर करें तो हमारे पास एन नंबर ऑफ कॉलेजेस है तो इसका रिकॉर्ड भी हमें मेंटेन करना है इसके लिए भी हमें एक डेटाबेस लगेगा तो ये इतना यूज डेटाबेस है हम इसे कैसे मैनेज करते हैं तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में कि डी में हम कैसे डेटाबेस बनाते हैं कैसे हम स्कीमास बनाते हैं कैसे हम सारे प्रोसेस को सारे डिटेल्स को सेव करके रखते हैं एवरीथिंग सिक्योरिटी मैटर करती है इंटीग्रिटी मैटर करती है कंस्ट्रेंट मैटर करते हैं हर एक चीज मैटर करती है अब आप सब सोचोगे मैम हमें ये चैप्टर क्यों पढ़ना है ये जो चैप्टर है ना

इन एग्ज़ाम्स इन्होंने एक एग्ज़ाम्स का एग्ज़ाम्पल दिया है कि हमारे जो मार्क्स होते हैं पहले वो रिकॉर्ड किए जाते हैं हमारे मार्क्स को हम रिकॉर्ड करते हैं एक पर्टिकुलर चीज में उसके बाद हम हमारे रिजल्ट वाले प्रोसेस पे जाते हैं बिना रिकॉर्ड किए आपके ना आप देखते हो ना मैम लोग आपकी क्या करती है पहले आपके एक एक पेपर्स चेक करती है चेक करने के बाद कंप्यूटर में जाके एक एक मार्क्स की एंट्री लिखती है लिखने के बाद सारे डेटा को इंटीग्रेट करती है एस सब्जेक्ट सॉरी फिजिक्स सब्जेक्ट हो जाएगा केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो जाएगा बायो हो जाएगा मैथ्स हो जाएगा आई हो जाएगा ये सारे सब्जेक्ट को इंटीग्रेट करती है उसके

डेटा डज नॉट हेल्प इन मेकिंग डिसीजन आपको डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज या जो पावर्स होती है वो डेटा नहीं देता है जबकि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है ऑर्गेनाइज्ड वे में याद फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इन्फॉर्मेशन क्या होती है ऑर्गेनाइज्ड वे में हर सारी चीजें दी जाती है डेटा कुल भी रिलिवेंट और इनरेलीवेंट विदाउट डेटा इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोसेस अब आपके पास डेटा ही नहीं है तो आप इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस करोगे ना तो इसके बीच का डिफरेंस क्या हो जाएगा कि ये रेलिवेंट होगा या और इेलीवेंट हो जाएगा या हमारा जो इन्फॉर्मेशन है ये बिना डेटा के कंप्लीटली इनकम्प्लीट होगा ईच स्टूडेंट अब इसका इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया आपको सबको बताना जैसे कि अगर कोई भी चीज़ दो मार्क्स के लिए आ रही है तो आपको चार डिफरेंस पॉइंट लिखने होंगे एंड उसके साथ एक एग्जाम्पल लिखना होगा एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हर चीज में रहता है बायो हो गया आई में भी हो गया ई स्टूडेंट्स एग्जाम स्कोर इज वन पीस ऑफ डेटा इंडिविजुअल पीस एक बच्चे का एक सब्जेक्ट का मार्क्स जो हो गया वो उसका एक इंडिविजुअल डेटा हो जाएगा एंड एवरी स्कोर ऑफ द क्लास और द एंटायर स्कूल इज इंफॉर्मेशन दैट इज डिराइव फ्रॉम द गिवन डेटा बिना डेटा के हमारा इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट था राइट तो बिना इंडिविजुअल मार्क्स के हमारे पूरा एवरेज निकाल सकता है क्या हमारे पूरे क्लास का हमारे पूरे स्कूल का एक हाईएस्ट बच्चा निकलता है राइट कैसे निकलता है हम सबसे टैली करते हैं उसके डेटा कलेक्ट करते हैं अंदर टैली करते हैं उस प्रकार से नेक्स्ट क्या है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस अब हमारा मेन पार्ट डेटा मैनेजमेंट सिस्टम अ डेटा बेस ऑफ एन एब्रीवेटेड अब आपको कोई डीबी बोलेगा हम डी ऐसा नहीं कहते हम डी कहते हैं यानी कि डेटा ज ए कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑर्गेट कंप्यूटर पीस ऑफ डेटा को डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर फॉर क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डेटा ये जो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है इसके अंदर हम हमारे डेटाबेस को क्रिएट करते हैं एंड उसे मैनेज करते हैं जब आप इस चैप्टर में आगे जाओगे बेसिकली इसमें तो नहीं है बट हम जब इंजीनियरिंग में आए थे तो हमने एक्चुअली डेटाबेस को क्रिएट किया था हर बहुत सारे उसके सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सॉफ्टवेयर को यूज़ करके हमने हमको उन उन्होंने कहा था कि आप ये ये डेटाबेस आप कंपनी का डेटाबेस बनाओ आप यूनिवर्सिटी का डेटाबेस बनाओ सो so हमने वो बनाया था तो उस प्रोसेस में हमें कुछ कुछ चीज़ें कुछ कुछ एब्रीवेशन याद रखने होते हैं सेम उसी प्रकार जैसे हम कोडिंग करते हैं तो एच टैग हम याद रखते हैं उसी प्रकार जब हमें डेटाबेस बनाना है तो हमें टेबल्स याद रखने होते हैं हमें इंसर्ट वाले ऑप्शन ढेर सारे ऐसे ऑप्शन है जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें याद रखनी होती है और डेटाबेस बेस प्रोवाइड यूजर एंड प्रोग्रामर विथ अ सिस्टमैटिक वे टू क्रिएट रिट्राइव अपडेट एंड मैनेज डेटा हम क्रिएट करेंगे डेटा को हम उससे कलेक्ट करेंगे यानी कि उससे रिट्राइव करेंगे डेटा को या फिर हम अपडेट कर सकेंगे अगर समझो कोई मॉडिफिकेशन है हमारे डेटा में तो हम उसे अपडेट कर सकेंगे मैनेज कर सकेंगे इट स्टोर डेटा इन सच वे दैट इट बिकम्स ईजियर टू रिट्राइव मैनिपुलेट एंड अपडेट ये ऐसे वे में सिस्टमेटिक वे में उसे स्टोर करता है कि हमें अपडेट करना या फिर हमें रिट्राइव करना या मैनिपुलेट करना डेटा को बहुत ईजी हो जाता है फॉर एग्जाम्पल हम कौन से कौन से चीज़ें यूज कर, कर सकते हैं माई एस क्यूएल यूज़ कर सकते हैं हमने बेसिकली इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रे एस क्यूएल यूज़ किया था एक्सेस और एक्ल्स एस क्यूएल सर्वर्स एंड बहुत सारे होते हैं तो आप कुछ भी यूज कर सकते हैं हमने बेसिकली ये यूज किया था माई एस क्यू एल इज ऑल्सो गुड बट वो थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है पोस्ट ग्रे से अब हमारे एप्लीकेशन क्या क्या है डीबीएमएस के इतने थियोरिटिकल वे में मत जाओ बेसिकली हम देखते हैं ओवरव्यू में क्या है रेलवे रिजर्वेशंस अब हम रेलवे में रेलवे रिजर्वेशंस में इन्होंने क्या कहा है कि हमारा जो ट्रेन का अराइवल है ट्रेन का जो डिपार्चर है या ट्रेन का जो टिकट है अब एक बच्चा एक इंडिविजुअल तो नहीं है हमारे इंडिया में कितने लोग हैं ना उन सबका या फिर हमारे इंडिया में कितने सारे ट्रेन है उन सब का हमें एक डेटाबेस बना के रखना है ऑफ कोर्स हम लोग डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कर रहे हैं लाइब्रेरी मैनेजमेंट इसमें इस देख रहे हो ना हज़ारों बुक्स होती है दस हज़ार पाँच हज़ार छः हज़ार कितनी सारी बुक्स होती है हमारे लाइब्रेरी में उनका भी डेटाबेस बना के रखना होगा कि वो उन वो बुक का पब्लिश हुई थी उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है या फिर उसकी कॉस्ट कितनी है या फिर उसका डोमेन कौन सा है ये सारी चीज़ें हमें देखनी है बैंकिंग हमारे बैंक में कितने सारे लोग होते हैं अकाउंट्स होते हैं ट्रांजैक्शंस होते हैं रोज ये सारी चीज़ों को भी मेंटेन करना है तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस बहुत इंपॉर्टेंट कितने सारे बच्चे उनका डेटाबेस मेंटेन करना वो कौन से डोमेन में है क्या कर रहे हैं कौन से ईयर ऑफ एडमिशन में है कहाँ रहते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी यूनिवर्सिटी के पास होती है वो बच्चे को कितना मार्क्स था ये सारी चीजें टैली करनी होती है राइट right? नेक्स्ट है क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शंस फॉर परचेज ऑफ क्रेडिट कार्ड एंड ऑल अदर ट्रांजेक्शन आर मेड पॉसिबल बाय डी बी एम एस अ क्रेडिट कार्ड होल्डर नोज द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्फॉर्मेशन दैट ऑल दैट आर ऑल आर सिक्योर्ड थ्रू डी बी एम एस हमारा जो क्रेडिट कार्ड होता है उसके जो कुछ कुछ हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन होते हैं वो डिसक्लोज नहीं होने चाहिए तो हमारा जो डी बी एम एस है ना ये हमें एक मीन्स ऑथेंटिसिटी देता है कि भाई आपका जो डेटा है वो सेफ है सोशल मीडिया साइट भाई साहब इसका तो कोई रिकॉर्ड ही नहीं है हम सब सोशल मीडिया पे एक्टिव है मैं नहीं हूं सो so, ये जो सोशल मीडिया पे हाँ, आपको है आपको व्यूज जाते हैं आपको लाइक्स मिलते हैं इसका भी एक डेटाबेस आपको किससे किससे देखा आपको किससे किससे लाइक किया कमेंट किया ये सारी चीजें भी डेटाबेस में स्टोर होती है अब नेक्स्ट है एडवांटेजेस इस पर हमें ध्यान देना है एडवांटेजेस बेसिकली हमें पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन ड्यूरेशन में कि भाई डिफाइंड डीबीएमएस या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन डीबीएमएस राइट इट्स एडवांटेज डिस एडवांटेज मेरिट्स डी मेरिट्स एवरीथिंग सो हमें पढ़ना है यह सारी चीजों को अब देखते हैं एडवांटेजेस क्या है रिड्यूसिंग डेटा रिडेंडेंसी थोड़ी न्यू टर्म से आई कैन अंडरस्टैंड बट समझो इस चीज को डेटा मैनेजमेंट लोकेशन ऑफ मल्टीपल सिस्टम अब हमारे पास एक ही डेटा तो नहीं है ना और एक ही डेटा नहीं है ढेर सारे डेटा है ढेर सारे डेटा ऐसा भी हो सकता है कि मेरे एक ही पीसी में ना हो एक ही डेटाबेस में आओ और भी कोई सिस्टम में हो मल्टीपल सिस्टम्स में हो राइट right? सो so, Because of this, there were sometimes multiple copies of the same file, which leads to data redundancy. अब ऐसा भी हो सकता है कि हमारे मल्टीपल फाइल्स जो है सॉरी हमारे जो डेटा बेस है मल्टीपल टाइम्स उसकी कॉपीज बन गई हो तो इसकी वजह से हमारा डेटा रिडेंडेंसी वाली जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी दिस इज प्रिवेंटेड इन अ डेटा बेस एज देर सिंगल डेटा बेस एंड एनी चेंजेस इज रिफ्लेक्टेड इमीडिएटली बिकॉज ऑफ दिस देयर इज नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग जुब्लिकेट डेटा डेटा रिडेंडेंसी यानी कि क्या यानी कि आपके जो मल्टीपल कॉपीज क्रिएट हो रहे थे इसकी वजह से आपको कॉम्प्लिकेशन फेस करने पड़ेंगे लेकिन हमारा जो डेटाबेस है हमें एक एश्योरेंस देता है कि हम सिर्फ एक सिंगल डेटाबेस बनाएंगे यानी कि हमें ड्यूप्लीकेट डेटा प्रोड्यूस करने वाले डेटा रुडेंडेंसी वाली प्रॉब्लम नहीं फेस करने पड़ेगी ये उसका एक एडवांटेज हो गया नेक्स्ट क्या है सॉरी नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ डेटा शेयरिंग ऑफ डेटा हम हमारे पर्सनल डेटा को शेयर नहीं करना चाहते कर। of course, नहीं करना चाहते हम हमारे पर्सनल किसी के साथ शेयर करते हैं क्या नहीं करते, करतेस द डेटा एंड कॉन्सिक्वेंटली द डेटा कैन यूज बी शेयर बेस्ड ऑन द करेक्ट authorization. इसका मतलब कि ये हमारे जो डेटा होते हैं हम चाहते हैं हमारा जो डेटा है वो हमेशा सेफ हैंड्स में हो वो किसी अननोन के हाथ में ना जाए तो फिर इसके लिए हम ये प्रोसेस यूज करते हैं मेनी ऑफ द रिमोट यूजर्स कैन अल्सो एक्सेस द डेटा बेस एंड शेयर द डेटा अमंग्स डेटा इंटीग्रिटी डेटा इंटीग्रिटी मीन्स दैट द डेटा इज एक्यूरेट एंड ट ऑफ इन द डेटाबेस यानी कि अब हमें कोई डेटाबेस मिल रहा है जरूरी है क्या कि उसमें जो जो भी चीजें में लिखी गई है वो एक्यूरेट हो नहीं ना बट हमारा जो डेटा इंटीग्रिटी है ये हमें ये कहता है कि हमारे जो भी डेटाबेस के अंदर डेटा है वो करेक्ट होंगे एक्यूरेट होंगे एंड कंसिस्टेंट होंगे डेटा इंटिग्रिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एज देर आर मल्टीपल डेटा इन डी

सारी चीज एक्यूरेट हो ताकि हम तक करेक्ट न्यूज पहुंचे नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी डेटा की सिक्योरिटी बहुत जरूरी होती है इट प्लेज एंड इट इज अ वाइटल कॉन्सेप्ट इन डेटा बेस ऑनली ऑथोराइज यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस द डेटा बेस एंड देयर आइडेंटिटी शुड बी ऑथेंटिफिकेटेड यूजिंग अम एंड पासवर्ड डेटा सिक्योरिटी आपके डेटा सेफ होने चाहिए सिक्योर होने चाहिए इसके लिए हम एक यूजर नेम प्रोवाइड करते हैं हमें एक पासवर्ड प्रोवाइड किया जाता है ताकि हमारा जो डेटा है वो सिर्फ उसे अलॉट किया जाए जिसके पास वो यूजर नेम है एंड पासवर्ड हो जैसे कि मेरा यूपीआईडी है तो मेरे चीजों को सिर्फ मैं लॉग इन कर पाऊंगी मेरे स्कोर सिर्फ मैं देख पाऊंगी और इसके अलावा अगर मैंने किसी और के साथ मेरा पासवर्ड शेयर किया तो ही वो भी उस चीज को एक्सेस कर सकेगा Other way, वो access नहीं कर पाएगा प्राइवेसी रूल इज अटाइजर वही सेम चीज है बैकअप एंड रिकवरी अब हमारा जो डेटा बेस है समझो कोई सिस्टम फेलियर हो गया बाय मिस्टेकली पावर शट डाउन हो गया या फिर कोई भी ऐसा प्रॉब्लम हो गया तो हमारा जो डेटाबेस है वो खो जाएगा लेकिन ऐसा यहाँ नहीं होगा ये इसका एडवांटेज है कि हमारे पास एक बैकअप के सिस्टम अवेलेबल होगी एंड रिकवरी सिस्टम अवेलेबल होगा टेक्निक्स अवेलेबल होगी कि आप वो सारी चीजों को रिकवर कर सको रिस्टोर कर सको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द बैकअप एंड रिकवरी द यूजर डज नॉट नीड टू बैकअप द डेटा पीरियोडिकली समझो अब वर्ड है कंटिन्यूसली सेव करते जाते हो ना टेम्पर फाइल से कंट्रोल uh, करते जाते समझो सेव नहीं किया सारी चीजें उड़ जाती है लेकिन हमारा जो डेटा है वो हमें ये अश्योरेंस देता है कि अगर आपने सेव नहीं भी किया है उसको बैकअप या रिस्टोर नहीं भी किया है तो भी वो ऑटोमेटिकली सेव हो जाता है मोर ओवर इट इज स्टोर इट अल्सो रिस्टोर द डेटा बेस आफ्टर द क्रैश और द सिस्टम फेलियर टू इट्स प्रीवियस कंडीशन बोला ना फेलियर हो गया अगर कोई फिर भी वो प्रीवियस कंडीशन में आ जाता है डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस टाइम

हम सब कोडिंग करते हैं अभी आप लोग जस्ट प्रोसेस में हो स्टार्ट करने के लिए कोडिंग के लिए सो डेटा टाइप्स एक्चुअली होता क्या है अगर आप कोई नंबर लिख रहे हो नंबर लिख रहे हो समझ लो मैंने वन लिखा है तो ये क्या है ये एक नंबर है ऑफ कोर्स तो ये नंबर को हम कहते हैं इंटीजर तो जब हम कोडिंग लैंग्वेज में इसे लिखने की कोशिश करते हैं तो हम क्या लिखते हैं इंट बिकॉज इट इज एन इंटीजर सो हम इंट लिखते हैं अगर सबने मुझे लिखना है अल्फाबेट कोई भी अल्फाबेट कोई भी अल्फाबेट ए लिखना है तो हम इसे क्या लिखते हैं ये एक वेरिएबल है राइट right? सो so, हम इसे क्या लिखते हैं लिखते हैं बट इन डीबीएमएस हम इसे कुछ और कहते हैं हम इसे कहते हैं वैर कैर ओके okay, हम इसे क्या कहेंगे वैर कैर ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं अभी एक्चुअली डेटा टाइप्स होते क्या वेन यू क्रिएट अ टेबल एंड एड अ फिर टू द टेबल इन डेटाबेस डेटाबेस अब हम बना रहे हैं तो ऑफ कोर्स उसमें टेबल्स होंगे ऐसा एक टेबल होगा जिसके अंदर कुछ कॉलम्स होंगे वैल्यूज होंगे हमारे रोज के अंदर सो so, इसके अंदर एन नंबर ऑफ फील्ड हो गए डेटा टाइप्स आर क्लासिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी पॉसिबल वैल्यूज फॉर द ऑपरेशन दैट कैन बी डन इन द डेटा अब वो कुछ भी हो सकता है फ़ोन नंबर है तो हम वहाँ पे अल्फ़ाबेट नहीं डाल सकते तो हम हमारे यूजर को रिस्ट्रिक्ट करेंगे कि भाई तुम्हें यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट सॉरी सिर्फ इंटीजर्स यूज़ करने सिर्फ नंबर्स यूज़ करने इंट वाला डेटा टाइप यूज करके और समझो मुझे अभी एड्रेस लिखना है तो एड्रेस में हमारे पास नंबर्स भी आएंगे एड्रेस में हमारे पास अल्फाबेट्स भी आएंगे जैसे कि बिल्डिंग नंबर लिखना है तो हम नंबर्स यूज करते हैं एड्रेस uh, बाकी चीजें लिखने के लिए हम अल्फाबेट यूज करते हैं तो व्हाट विल यूज हम यूज करेंगे वैर कैर इन द सेम वे अब आगे देखते हैं ये है क्या कौन से कौन से है इसमें सबसे पहले इन्होंने दिया है कैर होल्स द फिक्सड लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग कैन कंटेन लेटर नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स द फिक्स इज स्पेसिफाइड इन पैरेंट ये जो कैर है यानी कि ये कैरेक्टर है सॉरी वहां पे क्या आता वो जो कैरेक्टर है ये क्या क्या चीजें होल्ड करेगा लेटर्स होल्ड करेगा नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर स्पेशल कैरेक्टर्स यानी कि क्या हम परसेंट साइन यूज करते हैं हम यूज कर देते हैं एड्रेस में हम सेमी कोलन यूज कर दे करते हैं हमारे एड्रेस वगैरह में या फिर किसी और चीज को लिखने में सो so, हम अगर कैर ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं तो हम ये सारी चीजें यूजर को अलाउ कर सकेंगे कि आप ये सारी चीज़ें लिख सकोगे जैसे कि समझो मुझे लिखना है मुझे आपसे आपका एड्रेस लिखना है तो व्हाट आई विल राइट एड्रेस समझो मैंने एड लिख दिया एड्रेस के लिए आई विल जस्ट राइट कैर कि मैं अलाउ कर रही हूँ आपको कि आप नंबर्स लिख सकोगे आप अल्फाबेट्स लिख सकोगे आप सिम्बॉल्स यूज कर सकोगे एंड मैं यहाँ पे पैरें डालूंगी पैरंथीसिस पता है ना हमारे ब्रैकेट्स ऑफ कॉर्स एंड समझो मैंने इसके अंदर लिख दिया ट्वेंटी ट्वेंटी तो मैं आपको रिस्ट्रिक्ट कर रही हूँ कि आप सिर्फ ट्वेंटी एलिमेंट्स या ट्वेंटी कैरेक्टर्स या ट्वेंटी चीजें ही लिख सकोगे समझ में आप ये इसका एक क्या कहते हैं उसका एक सिंटैक्स है कि आप कैसे इसको लिखोगे फिक्स्ड यहाँ पे इन्होंने लिखा है देखा फिक्स्ड साइज इज स्पेसिफाइड इन पैरेंथेसिस नेक्स्ट है वैरकैर Is the Can letters, numbers, or था दैक्सिम साइज इन पैर सेम हो जाएगा लेट मी चेंज द कलर इसको भी हम कैसे लिखेंगे समझो मुझे अभी नेम लिखना है तो so, मैं लिखूंगी नेम आई विल जस्ट राइट वैर कैर हमारा डेटा टाइप डेटा टाइम लिखने के बाद मैं आपको लिमिट कर रही हूं कि आप सिर्फ ट्वेंटी चीजें ही उसके अंदर लिख सकोगे ओके नेक्स्ट है डेसिमल। इट कैन रिप्रेजेंट नंबर और उट फ्रैक्शनल पार्ट ये जो डेसिमल है हम सबको पता है decimal actually होता क्या है सो so, इसमें हम नंबर डाल सकेंगे जिसमें फ्रैक्शनल पार्ट हो भी सकता है डेसिमल हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है या इसके अलावा हम इंटीजर यूज कर सकते हैं जिसके अंदर हम इंटीजर्स वैल्यू लिखेंगे इसको भी मैंने ऊपर लिख के दिखाया था जैसे कि फोन है फोन लिख दिया मैंने हम इंट लिख देंगे इंट हमने डिफाइन कर दिया कि हमें यहाँ पे इंटीजर यूज करने हैं एंड फोन नंबर कोर्स सिर्फ टेन डिजिट्स के होते हैं तो मैंने वहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि आप टेन से ज़्यादा वैल्यूज नहीं डाल सकोगे डेट कोर्स डेट आएगा होल्स डेट इंक्लूडिंग द डे मंथ एंड ईयर टाइम टाइम में आपका टाइम आएगा किस फॉर्म में आएगा आवर्स मिनट एंड सेकेंड्स में अब ये जो बाकी का पार्ट है डेटा मॉडल्स रिलेशनल मॉडल्स वन टू मेनी मनी टू वन मनी टू मैनी यह सारी चीज़ें क्या होती है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे होप यू हैव एंजॉय दिस सेशन एंड एन्जॉय किया होगा तो लाइक कीजिए कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को सारे वीडियोज देख रहे हैं ना आपको एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ होप यू हैव एंजॉय थैंक यू सो मच